मौत को गले लगाना कितना आसान होता है, इस बात का आकलन करना लगभग नामुमकिन है। सोनीपत के आर्यनगर में 15 साल के वंश ने ऐसा कदम उठाया कि उसके परिवार का पूरा वंश ही खत्म हो गया। वारदात क्यों हुई, कैसे हुई, तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस पूरी वारदात के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। आर्यनगर से 15 साल के वंश ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वंश ने इतना खौफनाक कदम सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि वंश की टीचर ने बेरहमी से पिटाई की थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और परिजन टीचर की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। मेरा बेटा जी सुबह स्कूल में गया था, मुक्ता का खेलता गया, खेलता कूदता गया। कौन से स्कूल में? इधर देख के चैनी स्कूल में गया जी, चैनी होटल। तो वहाँ गया, बिल्कुल हसमुख गया मेरा लड़का, हसमुख गया। तो वहाँ जाने के बाद में वहाँ को पोस्टर लग रहा था जी, पोस्टर लग रहा था, तो पोस्टर पर या तो उसके पैर फिसलाया जी, कुछ भी लग गया, वो ऐसे गिर गया जी। वो गिरने के बाद में बोर्ड पे लग गया, जो पोस्टर था ना, वो पोस्टर पर लगने के बाद में तो बच्चों ने शिकायत कर दी सीमा सैनी मैम ने जी उसको इतना मारा जी, जबरदस्त यहाँ से लेकर और यहाँ तक जी उसके हाथ पर लीले लील पड़ी है, अभी भी आप भी देख लेना दोनों हाथ पे उसका बहुत ज्यादा मार दिया जी। वो चलने घर तक चला तो गया वो जी, उसको बस पैंट और पुरस्कट निकाली है, निकालने के बाद में उन्हें फांसी खा करने और वो तुरंत मर गया जी, उन्हें खाना भी नहीं खा, कुछ नहीं कर। पिटाई से मरा है? पिटाई से हाथ होकर? हाँ जी, पिटाई होने के बाद में जी वो ज्यादा वो हो गया जी उसका, वो क्या करे, वो स्कूल की टीचर ने डरा दिया। हाँ स्कूल की टीचर ने जी ज्यादा मार दिया, ज्यादा मार रखा था जी। कौन क्लास में पढ़ता बेटा आपका? 10वीं में पढ़ता था जी। सुसाइड नोट में क्या लिखा उसने? मम्मी पापा मैं मर रहा हूँ, एक मिनट आप बताओ जी, आप मतलब मम्मी पापा मैं जा रहा हूँ और मैं फिर आऊंगा कभी। अच्छा, अब उसने ये नहीं बताया क्यों वो अपनी जान दे रहा है? ये इतना समझदार नहीं रहा जी बच्चा, बच्चा बहुत शरीफ था, बच्चे में कोई मतलब नहीं थी कहीं, इसमें जी मैडम की लापरवाही हो जी, सीमा मैडम की। क्या मांग करते हैं आप जी? हम तो जी गिरफ्तारी चाहिए जी हमने। बस जैसे 3 बजे फोन आया है बड़े भाण जगह की, भाई मम्मा ऐसे ऐसे भाण जा अपना चला गया। आया तो मेरे को पता लगा कि भाई ये बच्चा सुबह ठीक ठाक स्कूल गया था, वापस जाके इसने बच्चे ने कोई शरारत कर दी। शरारत करने पे प्रिंसिपल मैडम ने उसको इतनी बुरी तरीके से मार रखा है कि इसके हाथ पैरों पे सारे नील। हम डॉक्टर के पास जैसे उसको लेके गए हैं, जैसे मेरी दीदी और आई थी, मेरे जीजा और आए थे, देख डॉक्टर साहब अंदर से बाहर आए हैं ये पूछने के लिए इस बच्चे को टॉर्चर किसने किया हुआ है। उस बच्चे को टॉर्चर करने वाली सीमा मैडम थी, उसके टॉर्चर से उसको ये दबाव उसके मेंटली इतना फोर्स कर दिया कि भाई आप अपने मम्मी पापा को बुला के लाओ, आपने किस कर दी उसको पोस्टर को, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, इतना मेंटली फोर्स कर दिया उस लड़के को कि उसने इस डर से इतना सहम गया वो लड़का कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, उसने फांसी लगा के अपनी जान दे दी। क्या मांग करते हो आपने? हमारी मांग यही है जी, सीमा मैडम और स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सीमा मैडम की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आत्महत्या करने वाला लड़का वंश सोनीपत के सैनी मॉडर्न स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था और कल उसने मौत को गले लगा लिया। परिजनों का आरोप है कि वंश की टीचर ने उसकी बेरहमी से पिटाई की है और उसी से आहत होकर वंश ने ये कदम उठाया। बताया जा रहा है कि वंश का पैर फिसलने से कोई पेंटिंग स्कूल में टूट गई थी जिसके बाद उसकी टीचर सीमा ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी और वंश ने घर आकर फांसी लगा ली। वंश बहुत डरा हुआ था। क्या पूरा मामला? ये ऐसा जी, कल इतला मिली थी भाई एक बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और तब गए वहां जी, उसके जांच करी, मौका घटना स्थल पर स्पेशल टीम का मुलाजा करा, उसने एक्चुअली फांसी खा रखी है, ये मामला था। कारण क्या पाया? सुसाइड नोट, कारण सुसाइड नोट उसमें लिख रखा है भाई, मैं जा रहा हूँ, मैं दोबारा आऊंगा। उसके शरीर पर पिटाई के निशान मिले हैं? उसके शरीर पर पिटाई के निशान है वो तो डॉक्टर साहब बता देंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। किस पर आरोप है? ये है भाई, वो टीचर ने उसको भाई धमकाया या डंडे मारे, ये आरोप है। सामना करने की वजह से स्कूल का? नहीं नहीं, कोई पोस्ट पेंटिंग पोस्टर था उस पर कोई हरकत करा, बच्चे को धमका रहे थे, ये बात है। डर में उसने सुसाइड किया है क्या? नहीं ऐसा, सुनो डर में ऐसा, ये तो जांच का आगे तफ्तीश का विषय है, जो भी स्कूल में जाएंगे पूछताछ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा सारा। पुलिस ने किसके खिलाफ मामला दर्ज किया?
अभी तो फिलहाल डीडी एंट्री की है, पोस्टमार्टम के बाद जैसा होगा जैसा फायर कर दी। इस मामले की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि आर्य नगर के रहने वाले वंश नाम के एक बच्चे ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है और उसको लेकर आज उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।